गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद बिनोशर। मित्रों, एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद बिनोशर चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओकरा, भिंडी। भिंडी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसे सभी प्रश्नों को हम जानेंगे। मित्रों, आपसे आग्रह है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये आग्रह है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई चैनल संबंधित सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ओकरा। ओकरा मीन्स भिंडी। बॉटनिकली अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो इसका वानस्पतिक नाम अवेल मॉस्चस एस्कुलेंटस, अवेल मॉस्चस एस्कुलेंटस फैमिली। अगर हम फैमिली की बात करें, मालवेसी, गुणसूत्रों की बात करें, क्रोमोसोम 2n = 138। ओरिजिन प्लेस की बात करें, ओरिजिन प्लेस इसका अफ्रीका है, अफ्रीका इसका जन्म स्थान है। अगर हम चर्चा करें प्रोडक्शन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री इन वर्ल्ड तो इंडिया है। मीन्स विश्व में सबसे ज्यादा ओकरा का उत्पादन इंडिया में होता है। अगर हम चर्चा करें ओकरा आल्सो नाउन एज लेडीज फिंगर और भिंडी, अगर हम इसके एडेबल पार्ट की बात करें, एडेबल पार्ट तो होल फ्रूट और कैप्सूल। अगर हम चर्चा करें फ्रूट टाइप, टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें तो ये बेरी है, बेरी टाइप फ्रूट्स है। हम चर्चा करें जो ओकरा होती है, ओकरा कंटेन हाईएस्ट आयोडीन, कंट्रोल्ड डिजीज, गोटर। हम इसके बेस टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर तो 24 से 28 सेंटीग्रेड। ओकरा रूट एंड शूट आल्सो यूज टू क्लीन ऑफ जूस टू मेक गुड।
एक बार फिर से देखें, ओक्रानिस भिंडी का वानस्पतिक नाम एल्बोमेस्टस अवेलमोस्टस एस्कुलेंटस, फैमिली मालवेसी, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है भिंडी की फैमिली क्या है, मालवेसी। गुणसूत्र 12 = 138। ओरिजिन प्लेस भी, जन्म स्थान इसका अफ्रीका है। लार्जेस्ट, विश्व में सबसे ज्यादा भिंडी का उत्पादन इंडिया में होता है, भारत में होता है। भिंडी को लेडी फिंगर या भिंडी नाम से जानते हैं, उपराको लेडी फिंगर या भिंडी नाम से जानते हैं। एडेबल पार्ट्स की बात करें तो होल फ्रूट या कैप्सूल खाने योग्य जो भाग है इसका जिसे हम खाते हैं, होल फ्रूट या कैप्सूल। टाइप ऑफ फ्रूट्स की बात करें तो ये बेरी टाइप फ्रूट्स है। ओकरा कंटेंट हाईएस्ट आयोडीन टू कंट्रोल द डिजीज ऑफ गटर, गटर डिजीज को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर की बात करें 24 से 28 सेंटीग्रेड बेस टेम्परेचर है। ओकरानिस भिंडी की जो रूट, जड़ और तना जो होता है वो यूज करते हैं जूस को क्लीन करने में, इस गन्ने के जूस को क्लीन करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। जब हम गुड़ बनाते हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं। ओकरा जो क्लाइमेट की से आवश्यकता होती है भिंडी को, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का प्लांट है। पीएच की बात करें इसके लिए, भिंडी के लिए पीएच 7 से 7.5 में, 7 से 7.5 पीएच। सॉइल की बात करें, सॉइल सैंडी लोयम सॉइल बेस्ट मानी गई है। हम बात करें इसका सोइंग टाइम, तो इसका खरीफ वाला जो सोइंग टाइम है वो है जून जुलाई और स्प्रिंग या समर, और समर का जो सोइंग टाइम है वो है फरवरी मार्च। सीड रेट की बात करें तो खरीफ की सीड रेट होती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम बात करें स्प्रिंग सीजन की, स्प्रिंग और समर सीजन की बात करें, इसकी जो सीड रेट है वो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। स्पेसिंग की बात करें तो प्लांट्स के लिए रो टू रो 45 सेंटीमीटर है और प्लांट टू प्लांट बात करें 30 सेंटीमीटर है। अब हम बात करें इसका मेजर पेस्ट जो इसमें लगता है, फ्रूट एंड सूट बोरर लगता है। मेजर डिजीज मुख्यतः बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, एलो वेन मोजेक जो लगता है ये व्हाइट फ्लाई के द्वारा, ये वायरल डिजीज है, वायरस ट्रांसमिटेड होता है व्हाइट फ्लाई। और व्हाइट फ्लाई की बात करें जियोलॉजिकली से डेमेशिया टोबेसाई कहते हैं वायरस को जियोलॉजिकली। तो ये एक बार फिर से हम नजर डालें, क्लाइमेट की बात करें तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का प्लांट है। ओकरा पीएच 7 से 7.5, सॉइल सैंडलोम सॉइल, सोइंग टाइम खरीफ का जून जुलाई है, स्प्रिंग और समर का फरवरी मार्च है। सीड रेट की बात करें खरीफ की 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर पड़ती है, स्प्रिंग और समर की बात करें तो 18 से 20 किलोग्राम इसकी बीज दर
होती है, पड़ती 20 दिन की आवश्यकता पड़ती है 18-20 किलोग्राम की। स्पेसिंग की बात करें रो टू रो 45 और प्लांट टू प्लांट, प्लांट से प्लांट की दूरी 30 सेंटीमीटर, रो से रो की दूरी, नाली से नाली की दूरी 45 और प्लांट से प्लांट की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। मेजर पेस्ट जो इसमें लगता है फ्रूट एंड शूट बोरर इसमें लगता है भिंडी में, और मुख्यतः जो बीमारी लगती है पिक्सॉन बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि भिंडी में एलोवेन बीमारी किसके द्वारा लगती है, इस तरह से पूछा जाए तो ये वायरस के द्वारा लगती है। और पूछा जाता है एलोवेन मोजैक ट्रांसमिटेड बाई, मीन्स एलोवेन मोजैक का बाहक क्या है, तो बाइट फ्लाई सफेद मक्खी इसका बाहक है। जूलॉजिकली इसे बर्मेसिया टोबेसाई कहते हैं बाइट फ्लाई को। बात करें कंपोजिशन एज पर 100 ग्राम, तो इसमें मॉइस्चर 100 ग्राम में मॉइस्चर होगा 89.6 ग्राम मॉइस्चर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें कार्बोहाइड्रेट 6.4 ग्राम हो जाएगा। प्रोटीन 1.9 ग्राम हो जाएगी और क्रूड फाइबर की बात करें फाइबर इसमें होगा 1.2 ग्राम्स। अगर हम बात करें ऑक्सैलिक एसिड तो वो 8 मिलीग्राम होगा, 8 एमजी होगा ऑक्सैलिक एसिड। ये इसका कंपोजिशन एज पर 100 ग्राम, 100 ग्राम में 89.6 ग्राम मॉइस्चर होगा, कार्बोहाइड्रेट 6.4 ग्राम होगा, प्रोटीन 1.9 ग्राम होगी, फाइबर 1.2 ग्राम होगा और ऑक्सैलिक एसिड 8 मिलीग्राम होगा। के बारे में चर्चा करें तो इसकी कुछ प्रमुख वैरायटी है, जैसे पूसा मखमली परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पूसा मखमली किसकी क्या प्रजाति है, तो पूसा मखमली भिंडी की प्रजाति है। पूसा सावनी, पूसा अनामिका, अर्का अभय, पंजाब पद्मिनी, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है पंजाब पद्मिनी, पांचाली, आधुनिक सुप्रिया, हिसार, बरसाती, परभनी क्रांति, परभनी क्रांति भी इंपोर्टेंट वैरायटी है, परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रजाति वैरायटियां रही। इसके साथ ही एनपीके की बात करें, उसमें नहीं साइड हो पाएगा, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। इसके बाद पी की बात करें, पी 60 केजी प्रति हेक्टेयर और के 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से यूज करते हैं। ये रहे सारे भिंडी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इन पर हमने चर्चा की, इनके बारे में जानना। मैं समझता हूं परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, जो भी टॉपिक कवर होते जाते हैं, निश्चित तौर पर मैं ये आश्वासन देता हूं कि जो भी टॉपिक हमारे द्वारा कवर किए गए हैं उससे बाहर परीक्षाओं में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।